हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए जो हिंदी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है उस पर हम लोग बात करेंगे। जो 6 टॉपिक हिंदी के हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए और 5 टॉपिक हैं आपके मुख्य परीक्षा के लिए, तो उस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि 60 नंबर प्री के और 60 नंबर मेंस के कुल मिलाकर के होते हैं 120 अंक। इन 120 अंकों की हम बात करेंगे और इस हिंदी का जो प्रारंभिक परीक्षा में रोल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एक बार जीएस का पेपर थोड़ा सा डगमगा जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका हिंदी बेहतर हो गया तो वो सब कवर कर लेता है। चूँकि जो 140 नंबर का आपका जीएस है और इधर आपकी 60 नंबर की हिंदी है, तो जीएस में तो लोग बहुत स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन हिंदी में इतना स्कोर जरूर हो जाता है, मतलब 55 प्लस तो आराम से हो ही जाता है। बल्कि यहाँ तक कि लोग जो है 58-59 तक भी करके आते हैं, ऐसा मैंने देखा है। मैंने भी कई बार किया, ऐसा नहीं है, ठीक है, 58-59 तक सही करके आते हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग हुई, लेकिन हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सही आता है मतलब आता है। जीएस में थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन हिंदी में तो हो जाता है। मतलब वहाँ पर तो अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारी जो रणनीति होगी वो हिंदी में होगी कि आप 55 प्लस अंक कैसे लाएं। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं स्पेशली हम, कि जो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर की हिंदी आती है, उसमें 55 प्लस कैसे आप लाएं। ठीक है, हम नीचे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप 55 प्लस तो आप कितने भी 58-59-60 भी हो सकते हैं। तो हम वही बात आपसे करने वाले हैं कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, जो 6 टॉपिक हैं वो हम कैसे तैयार करें। और देखिए, आने को लोग 40-45 नंबर भी लाते हैं, तो ऐसा नहीं है, और लोगों के आते हैं और चले जाते हैं गड्ढे में, ठीक है, मतलब नहीं होता। अगर हिंदी समझो, अगर आपका 50 से नीचे रह गया, आप जान लीजिए, हिंदी अगर आपका 50 से नीचे रह गया तो समझिए कि आपका प्री नहीं ही होगा। क्योंकि आप जीएस पर, आप समझ, जीएस आप बहुत, मतलब जीएस में 100 प्लस तो अब बड़ी मुश्किल से ही आते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग है, 100 प्लस नहीं आप ला पाएंगे, ठीक है। और मेरिट समझिए कोई चीज 140-147 जाने लगी है, ठीक है, 135 से कम तो आती ही नहीं है। तो हम तो 140 प्लस का मान के चलते हैं कि अगर आपका 140 प्लस टारगेट होना चाहिए जीएस और हिंदी मिला करके, तभी आप जानिए कि हम प्री में श्योर है, हमारा प्री हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, ये जो हिंदी की हमें आपको तैयारी करनी है, आप ये तैयारी खुद भी कर सकते हैं अपने से, और मेरे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं। दोनों आपके पास रास्ते हैं, दोनों तरीके आपको हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे यहाँ आर ओ आर ओ प्री और मेंस के लिए बैच चल रहे, उसे आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 6393350769, ठीक है। व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी अपनी समस्या। सबसे पहले आपको हिंदी की ऑथेंटिक बुक्स बता देते हैं। तो पहली जो बुक्स है वो है आपकी हरदेव बहारी, नाम आपने सुना होगा, हरदेव बहारी, ठीक। दूसरी किताब हमारी लिस्ट में आती है पीएन पांडे साहब की, पृथ्वीनाथ पांडे। तीसरी किताब लिस्ट में आती है वासुदेव नंदन प्रसाद। चौथी किताब आती है सुशील कुमार की, काफ़ी अच्छी किताब है हिंदी की, हो सकता कई लोगों ने नाम ना सुना हो, सुशील कुमार की आती है, कई जगह तो मिलती भी नहीं है, ठीक है। ये 4 किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हैं, मैं आज भी पढ़ता हूँ, और इन्हीं को पढ़ करके मैंने एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। ये चारों किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आपको 55 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। बाकी मार्केट में बहुत सारी मैगजीन मिल रही हैं आपको, ठीक है, बस मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लेता, और बहुत सारी मैगजीन किताबें हैं इनके अलावा, ठीक है, मतलब उनमें सब कुछ दिया हुआ, प्रीवियस के पेपर्स और बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन गलतियाँ कितनी हैं ये कौन बताएगा भाई। चूंकि आप तो स्टूडेंट हैं, आप हो सकता है कुछ गलतियाँ ऑब्जर्व कर लें, पकड़ लें,
लेकिन सारी गलतियां तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। अगर सारी गलतियां पकड़ लेंगे फिर आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं तो आप सारी चीज़ें गलतियां नहीं पकड़ सकते। बहुत गलत दिया हुआ मार्केट में जो भी कंटेंट आ रहा है बहुत गलत है, मिस्टेक्स बहुत हैं। और जानते हैं हिंदी में आपको पता है बिंदी का, मात्रा का, हलंत का बड़ा मतलब बहुत ही महत्व होता है, ठीक है, मतलब कि बगैर बिंदी नहीं है कहाँ पर बिंदी होगी, कहाँ पर आधा ना होगा या आधा माँ होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत मायने रखता है। इसलिए जीएस वगैरह में ये सब चल जाता है, लेकिन हिंदी के मामले में बिंदी की भी गलती नहीं चलने वाली है, ठीक है, बाकी तो छोड़ दीजिए। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको हिंदी की तैयारी करनी है, ठीक है। इसे बर्तनी शुद्धि होती, वाक शुद्धि होती, बहुत माइनर मिस्टेक्स होती, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर गलती है, लगता है तो सब सही है, गलत कोई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन गलत होता है, ठीक। आप इन अगर चारों किताबों का अध्ययन करते हैं, इनमें सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी मोटी, चूंकि इसमें संपूर्ण हिंदी है और हमें पढ़ने सिर्फ 6 टॉपिक, तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक पर आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। और जैसे ना कि कहते ना कि कोई भी किताब अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, संपूर्ण नहीं होती है। जैसे मान लो कोई चीज़ इस किताब में दी हुई है तो हो सकता है इसमें ना हो, इसमें दी हुई है हो सकता है इसमें ना हो, मान लो इसमें इसमें दी है कहो इसमें ना हो, या इसमें इसमें दी है कहो इसमें ना हो, ठीक है। इसलिए अगर हमें सबको कंपाइल करके अगर पढ़ना है, ठीक है, और कंपाइल करके आप पढ़ेंगे तभी जा करके हमारा भला हो सकता है। आप चाहें कि हमारे एक किताब पढ़ लें तो ये संभव नहीं है, एक दो किताब आप जो कम से कम ये चारों किताबों को पढ़िए, कम से कम 3 तो पढ़िए आप कोई भी, लेकिन हरदे वाली मत हटाइएगा, ठीक है, वो तो रखेंगे, बाकी कम से कम 2 से 3 किताबों का अध्ययन आप करिए। और जितने मान लो 6 टॉपिक दिए हैं सारे 6 टॉपिक को देखिए कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं दिया है, सबको कंपाइल करके नोट्स बना लीजिए या अलग अलग किताबें पढ़ लीजिए सारी, ठीक है। नोट्स तो चूंकि अब एग्जाम के टाइम पे आप जो है हर किताब नहीं पढ़ सकते ना, वो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक, लेकिन ये किताबें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोचें इनको हटा करके और जो मार्केट में चल रहा है वो पढ़ लें और हम एग्जाम निकाल लें, तो नंबर तो आएंगे लेकिन 50 से नीचे आएंगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए हम एकदम से सच बोलते हैं और सच कड़वा होता है, ठीक है ना, बहुत लोगों को ये बात बुरी लग सकती है लेकिन लग जाए, क्योंकि हम जो बोलते हैं एकदम बिल्कुल वो फैक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों का तो आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, और अगर आपको 55+ नंबर लाने हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये तो ये रास्ता हो गया कि इतनी किताब मैंने आपको बता दी, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा रास्ता को बता देते हैं, चूँकि मैंने इन किताबों का ऑलरेडी अध्ययन जब मैं तैयारी करता था तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी किताबें मेरे पास है, सबके अपडेटेड वर्जन भी, एडिशन भी मेरे पास है, ठीक है। तो इन सब किताबों को मैंने पढ़ा हुआ है और हमारा खुद का नोट्स है वो, जो मैंने पढ़ करके तैयारी की है, पढ़ कर एग्जाम क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो वो नोट्स हमारा पूरा 6 टॉपिक का है, इसमें 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? ब्लूम शब्द, तद्वतत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी वाक शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में ये 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में 5 टॉपिक होते हैं, पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये पूरे 6 टॉपिक का हमने कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है इन सारी किताबों को कंपाइल करके, ठीक है, ये सारी किताबों को कंपाइल करके 6 टॉपिक का पूरा नोट्स बना हुआ है, ठीक। इसमें नोट्स में पूरा जो है, जैसे मान लो ब्लूम शब्द हैं, ठीक है, तो ब्लूम शब्द की पूरी सारी जितने भी ब्लूम शब्द हैं इसमें 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 इसमें, आप अगर ये हमारे वाले ब्लूम शब्द देखेंगे यहाँ पर, तो कोई भी ब्लूम शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इन किताबों में ना हो। मतलब इन्हीं चारों किताबों को कंपाइल करके एक नोट्स बनाया गया है, ठीक है, ताकि आपको ये अलग अलग किताबें ना पढ़नी पड़े, समझ रहे हैं ना आप। तो ब्लूम शब्द हो गया, इस तरह से हर टॉपिक को, फिर जो पिछले वर्षों में जैसे कि समीक्षा अधिकारी में, PCS में, IAS में या अन्य परीक्षाओं में ब्लूम शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण ब्लूम शब्द हैं उनको बताया गया है। तो इस तरीके से टॉपिक को कई तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, जैसे एक मेन सूची, फिर प्रीवियस ईयर में पूछी गई सूची और एक अति महत्वपूर्ण सूची, और इसके बाद फिर 4-5 उसके टेस्ट पेपर, समझ रहे हैं ना, तो तब जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हर टॉपिक के बारे में ऐसा ही किया गया है, ठीक। तो ये हमारा नोट्स जो है करीब लगभग 200 पेज का होगा मुझे लगता है, ठीक है,
लगभग 200 पेज का ये हिंदी का नोट्स है पूरा कंप्लीट। इसमें हर टॉपिक के चार चार प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जो पूछे गए हैं इन टॉपिक से वो सवाल है, अति महत्वपूर्ण है, और पूरी एक मेन सूची है, ठीक। तो ये लगभग 6 टॉपिक हैं, वो लगभग 200 पेज में कंप्लीट किए गए हैं। तो आप सोचिए कि 6×18 लगभग 30-35 पेज में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना। तो इस तरह से ये हिंदी का एक कंप्लीट कंपाइल करके नोट्स बनाया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किताबें हैं ना पढ़ने के लिए, आराम से इनको पढ़िए। और अगर जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो नोट्स पढ़ सकते हैं, दो ऑप्शन हैं, ठीक है। इसमें प्रचार वचार कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके भले के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किताबें पढ़नी हैं पहले आप ये किताबें सारी खरीद के लाइए, ठीक है, या किसी दोस्त मित्र के पास हो उससे उधार ले लीजिए कुछ समय के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। क्योंकि चार किताबें खरीदना थोड़ा सा, मतलब स्टूडेंट लाइफ में आर्थिक समस्याएं भी तो होती हैं। हर किताब 100-150-200 रुपए की है तो 500-600 रुपए की तो किताबें हो जाएंगी 700-800 रुपए की, तो दिक्कत फिर उनको पढ़ो एक एक करके, टाइम भी। तो इससे अच्छा ये है ना कि ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और ये पूरा नोट्स ले लिया जाए, है ना, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये नोट्स इसमें जो एकदम से इसकी प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से की गई है, मतलब कई चरणों में 2-3-4 बार इसको चेक किया गया है ताकि हिंदी में जो है गलतियां बिल्कुल क्षम्य नहीं हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब जो है तो हमने कहा आपको बता दें कि हिंदी हमको तैयार कैसे करनी है। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में और जो मुख्य परीक्षा में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, तो समझिए कि 30×60 नंबर की होती है, मतलब 60 नंबरों आपके सॉलिड हैं। अगर आपके 30 के 300 सही हो गए, और मैं कह सकता हूँ इस बात को दावे के साथ कि आपने ये वाला नोट्स पढ़ा मेरा, ठीक है, हिंदी का जो बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आपके 30 में से 30 सही होंगे। और यहाँ आप 55+ यानी 56, 57, 58 करके आराम से आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग जैसा चाहें पढ़ सकते हैं या फिर नोट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थोड़ा सा आपको, आप जो कन्फ्यूज़ हो रहे हो या जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं या जिनके पास वक्त नहीं है, जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास तो समय बहुत ही कम होता है, तो वो लोग जो है नोट्स पढ़ सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता ही दिया था, पीछे लिखा होगा शायद, ये देखिए 6393-350769, इस पर आप लोग संपर्क करके कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और RO प्री और मेंस दोनों के लिए बैच चल रहे हैं, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्री कम मेंस तैयारी आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक है, केवल प्री नहीं, प्री कम मेंस तैयारी करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी 5-6 महीने प्रारंभिक परीक्षा में हैं और इसके बाद मुख्य परीक्षा आपकी 3-4 महीने बाद होती है, तो प्री कम मेंस लेकर के अभी चलेंगे आप तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और वही तैयारी आपकी ऑथेंटिक होती है। प्री की कोई तैयारी नहीं होती, प्री कम मेंस तैयारी की जाती है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आर ओ हो, PCS हो, IAS हो, कुछ भी हो, हमेशा तैयारी प्री कम मेंस की जाती है, और वही आप लोग भी कीजिएगा। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्री कम मेंस लेकर के चलना होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ या नए टॉपिक के साथ कि क्या चीज़ कैसे पढ़नी है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।